हे व्हाट्सअप गाइज, क्या हालचाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप MCP बेडरॉक में एक सबसे इजी वाला आयरन फार्म कैसे बना सकते हो। तो गाइज इस वाले आयरन फार्म को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी भी विलेज से 100 या 150 ब्लॉक दूर चले आना है और उसके बाद अपने आयरन फार्म को बनाना स्टार्ट करना है। तो फार्म बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको एक 5x5 का एरिया डिक करना है। अभी गाइज ये जो हमने 5x5 का एरिया डिक किया है, इस एरिया को हमको नीचे 7 ब्लॉक तक और डिक कर देना है। तो गाइज इस तरीके से हमको एक एरिया डिक कर लेना है। अभी गाइज हमको क्या करना है, सबसे नीचे की तरफ चले आना है और गाइज एक साइड हमको 5 वेड लगाने हैं, फिर गाइज इनके पीछे एक ब्लॉक का गैप छोड़ना है और दूसरी तरफ से भी हमको 5 वेड प्लेस कर देने हैं। अभी गाइज इन वेड्स के मिडल की लेयर को हमको नीचे 2 ब्लॉक तक डिक करना है। उसके बाद गाइज इन वेड्स के नीचे के हर एक ब्लॉक को हमको तोड़ देना है। इसके बाद हमको हर एक बेड के नीचे एक एक बेड और प्लेस करना है, इससे इधर टोटल 20 बेड्स हो जाएंगे। अभी गाइज हमको मिडल की इस लेयर में 2 ब्लॉक हाइट की एक बॉल बना देनी है। इसके बाद गाइज हमको एक एक बिल्डिंग ब्लॉक चारों कोनों में प्लेस करना है और गाइज एक बिल्डिंग ब्लॉक हमको इसके मिडल में प्लेस कर इस ब्लॉक के ऊपर हमको एक टॉर्च प्लेस कर देनी है। उसके बाद गाइज हमको ब्लेजर्स के वर्क स्टेशन इस प्लेटफॉर्म पर प्लेस करने हैं और इधर टोटल 20 वर्क स्टेशन आ जाएंगे। अभी गाइज वारी आती है फार्म के अंदर विलेजर्स को लाने की। तो गाइज आपको किसी भी विलेज के अंदर जाना है और उस विलेज के अंदर से आपको टोटल 2 विलेजर्स पकड़कर अपने फार्म के अंदर लाने हैं। और गाइज आप विलेजर्स को फार्म के अंदर लाने के लिए बोट और लीड का यूज कर सकते हो, ये सबसे ईजी मेथड हो जाएगा। विलेजर्स को फार्म के अंदर लाने के बाद अभी गाइज आपको इन विलेजर्स को कोई भी फूड आइटम दे देने हैं जिससे ये आपस में ब्रीड कर सकें। उसके बाद गाइज आपको वेट करना है इनके ब्रीडिंग का, जब तक ये गाइज इस फार्म के अंदर टोटल 20 विलेजर ना हो जाएं। तो अभी गाइज अपने फार्म के अंदर टोटल 20 विलेजर कंप्लीट हो चुके हैं और गाइज इन 20 विलेजर्स में से कोई भी नेटविट विलेजर या बेबी विलेजर नहीं होना चाहिए। इसके बाद गाइज हमको क्या करना है, फार्म के ऊपर की साइड 2 ब्लॉक का गैप छोड़कर हमको एक डबल चेस्ट प्लेस कर देनी है और इस डबल चेस्ट के साथ हमको एक हॉपर कनेक्ट करना है। और अभी हमको इस हॉपर वाली लेयर पर एक बिल्डिंग ब्लॉक का प्लेटफॉर्म बना देना है। अभी गाइज हमको इस हॉपर के अपोजिट साइड वाले कोने में एक वाटर बकेट प्लेस करनी है, इससे गाइज इस फार्म के अंदर वाटर फ्लो बन जाएगा। अभी गाइज इस हॉपर के ऊपर हमको एक साइन बोर्ड प्लेस करना है और गाइज एक साइन बोर्ड इसके साइड में प्लेस करना है ऊपर की तरफ और गाइज एक साइन बोर्ड हमको इधर भी प्लेस कर देना है।
इसके बाद गाइज हमको इस ऊपर वाले साइन बोर्ड के साथ एक साइन बोर्ड और कनेक्ट करना है। तो हमको क्या करना है, इधर एक टेम्परेरी ब्लॉक प्लेस कर इसके ऊपर क्राउच होकर हमको इस साइन बोर्ड के साथ एक साइन बोर्ड और कनेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइज हमको इस टेम्परेरी ब्लॉक को तोड़ना है और एक लावा बकेट डालकर इस हॉपर के ऊपर यहाँ पर प्लेस कर देनी है। अभी हमको इस फार्म के चारों तरफ गिलास ब्लॉक से बॉर्डर बना देना है। अभी इन सभी ग्लास ब्लॉक्स के ऊपर हमको एक एक स्लैब प्लेस कर देनी है। और इसी के साथ गाइस अपना ही आयरन फार्म बनकर बिल्कुल ही रेडी है। बाकी गाइस आप देख ही सकते हो इस वाले आयरन फार्म के अंदर तो तुरंत का तुरंत ही आयरन गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी गाइस ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस आयरन फार्म को बनाओ तो आपके फार्म के अंदर आयरन गोलम स्पॉन ना हो। तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेनी, फार्म को बनाने के बाद बस आपको फार्म के पास 5 से 10 मिनट वेट करना है। उसके बाद गाइस आपके फार्म के अंदर आयरन गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएंगे और रेगुलर आपका फार्म वर्क करने लगेगा। बाकी गाइज अभी हमने फार्म के जिस भी साइड अपनी चेस्ट प्लेस की है, चेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको उस वाली साइड नीचे 4 ब्लॉक तक क्लिक कर देने हैं और ये चेस्ट ओपन हो सके। इसके लिए हमको इस चेस्ट के ऊपर के दोनों ब्लॉक्स को तोड़ देना है और इसके ऊपर 2 ग्लास ब्लॉक प्लेस कर देने हैं। गाइज बनकर रेडी है अपना एमसीपी बेडरॉक का सबसे इजी वाला आयरन फार्म। अगर गाइज आपको इस फार्म को बनाना हो तो बना सकते हो। बाकी गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना।